हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी के अप्पे, जो एक साउथ इंडियन डिश है जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है। इसे आप ब्रेकफास्ट में या बच्चों के स्कूल टिफिन में भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद होती है। तो अप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, जिसे रवा भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ एक कप सूजी ली है और इसी कप का हाफ मैंने दही लिया है और हाफ कप मैंने पानी लिया है। और इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। और अब इसे हम आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और अप्पे सॉफ्ट बने। तो अप्पे में डालने के लिए हमने यहाँ पर एक टमाटर, एक प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और करी पत्ता लिया है और इन्हें अच्छे से चॉप कर लिया है। आप अपने पसंद की और भी सब्जियां इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमारा बैटर तैयार हो चुका है, इसे में हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और अच्छे से इसे चला लेंगे। अगर आपको आपका बैटर ज़्यादा थिक लगे तो आप उसमें पानी डालकर अच्छे से चला सकते हैं। तो अब हम इसमें अपनी चॉप करी हुई सारी सब्जियाँ ऐड कर देंगे। आप इसमें गाजर, बीटरूट सब कुछ डाल सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट हो। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से इस बैटर को अच्छे से मिला लेना है और पानी डालकर भी आप मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी यूज़ में लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक ऐड करूँगी और अच्छे से मिला लूँगी। लाल मिर्च ऑप्शनल है, पर मुझे लाल मिर्च अच्छी लगती है इसमें, तो मैंने इसमें लाल मिर्च यूज़ की है। आप काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैंने काली मिर्च का भी यूज़ किया है और काली मिर्च और नमक से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं अपने बैटर में तड़का लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल और इसे मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। और जब तक तेल अच्छे से गर्म नहीं हो जाए तब तक आपको इसको गर्म करना है। अब इसमें मैं राई डालूँगी और राई जब तड़कने लग जाए अच्छे से तब हम इसके अंदर करी पत्ता ऐड कर देंगे। करी इससे ना जो अप्पे का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है और काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं हमारे अप्पे। तो यहाँ मेरा तड़का तैयार हो चुका है, अब इसे हम हमारे बैटर में डाल देंगे और बैटर को अच्छे से मिला देंगे। बैटर को अच्छे से मिलाना है ताकि हमारा जो ये इसका टेस्ट होता है करी पत्ते का और राई का वो अच्छे से उसमें आ जाए। और अब हम इसके अंदर एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और अच्छे से चला लेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे ज़्यादा देर नहीं चलाना है, इसे आप थोड़ा सा ही चलाएं। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम अप्पे बनाने के लिए स्टैंड, जो अप्पे स्टैंड होता है उसे गैस पर रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे अप्पे चिपके नहीं। ध्यान रखें स्टैंड को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ऑयल डालते ही अप्पे की फिलिंग करनी है। और ध्यान रहे कि एक मोल्ड में 1 चम्मच बैटर डालें, ज़्यादा नहीं डालें। अगर बैटर ज़्यादा डालेंगे तो अप्पे फूलकर मोल्ड से बाहर आ जाएंगे। देखिए मैंने इतना ही बैटर डाला है, ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। अब इसे कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हम कम रखेंगे, यहाँ गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखेंगे हम, ज़्यादा हम ना तो हमें मीडियम रखनी है ना हाई। तो 5 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसे चम्मच या फोक की सहायता से हम इसे पलट देंगे। तो देखिए हमारे एक साइड से अप्पे अच्छे से सिक चुके हैं, आप देख सकते हैं, और अच्छे से फूल भी गए हैं हमारे अप्पे। आप इन्हें देखिए,
अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल और लगा देंगे ताकि ये सूखे सूखे नहीं बने। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें ऐसे ही कवर कर कर 3 से 4 मिनट तक ढककर पका सकते हैं। तो मैंने यहाँ ऑयल लगा दिया है मेरे सारे अप्पों के ऊपर, और अब मैंने 3 से 4 मिनट तक ढककर पका लूँगी। और यहाँ 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे अप्पे बनकर तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे अप्पे कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अप्पे एकदम परफेक्टली फूले हैं और कलरफुल भी दिख रहे हैं। देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी अप्पे रेडी हो चुका है। आप इसे सॉस या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए मैं एक तोड़कर दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम रूई जैसा बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।